साहिल क्या क्यों में और सब नाम जान गए, लेकिन आज की तारीख में क्या सीधे सीधे ब्लैक और व्हाइट है या फिर इंतजार करना चाहिए कि क्या निकल कर आते, क्या बातें हैं, क्या पूछताछ में निकला है? श्वेता, इसके लिए हमको क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, किस तरीके से पिछले 3 महीने में महाराष्ट्र में क्या क्या चीजें होती गई, ये बात समझना बहुत जरूरी है। और आपने बिल्कुल सही बात की कि क्या ब्लैक एंड व्हाइट में हम कुछ बोल सकते हैं क्या, भले ईडी का इन्वेस्टिगेशन हो या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन हो, जब तक वो मामला अदालत में चल रहा है, क्योंकि अभी तो गिरफ्तारी हुई है, चार्जशीट फाइल होने में 90 दिन का समय जाएगा, उसके बाद मामला कोर्ट में चलेगा, जब आखिरकार किसी अदालत उस मामले में नतीजे पर पहुंचती है, तभी हम कह पाएंगे कि हाँ ब्लैक एंड व्हाइट में अदालत ने उनको दोषी पाया है। खैर, वो तो टेक्निकल बात हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाराष्ट्र में आए थे और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से मिले, उसके बाद उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने यही किया था कि केंद्र सरकार की दादागिरी के खिलाफ राज्यों को एक साथ आना चाहिए। तो राजनीति होनी वाली है, होगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब ईडी का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये सवाल सीधे प्रधानमंत्री से पूछा गया है। अभी यूपी चुनाव के पहले प्रधानमंत्री का जो इंटरव्यू आया था, उसमें उनको ये सवाल पूछा गया, प्रधानमंत्री ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल किसी भी तरीके से राजनीति के लिए नहीं हुआ हो रहा है, ब्लैक मनी को वसूलने के लिए ईडी अपना काम कर रही है। उसके बाद विपक्ष ने उस पर यह सवाल पूछा कि सिर्फ विपक्ष नेताओं पर ही क्यों कार्रवाई होती है। विपक्ष के सवाल पर बीजेपी का कहना है कि जो ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग में मिलता है उस पर कार्रवाई की जाती है। तो इसमें राजनीति तो होनी ही है, किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन तब तक उनके सपोर्टर हैं यही कहते रहेंगे कि देखिए नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी पर आरोप लगाया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी को वहां से हटाया गया। और एक इंटरेस्टिंग बात है, आज ही समीर वानखेड़े को थाने पुलिस ने उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया है 400BC का, उस मामले में आज उनको थाने पुलिस के सामने हाजिरी लगानी पड़ी, और उसी दिन नवाब मलिक को ईडी के दफ्तर लाया गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। समीर वानखेड़े को अदालत से प्रोटेक्शन मिला है, नवाब मलिक को प्रोटेक्शन लाने के लिए समय नहीं मिल पाया क्योंकि उनको सीधे ईडी के दफ्तर लाया गया है। तो ये आयरनी ऑफ द सिचुएशन भी देखिए, समीर वानखेड़े जो जेल में जाएंगे ये नवाब मलिक कह रहे थे, उन समीर वानखेड़े को आज ही पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा उनके खिलाफ जो FIR हुआ है उसके सिलसिले में, और उसी दिन नवाब मलिक को ईडी के दफ्तर जाना पड़ा और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो इसको लेकर अब तीखी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के राजनीति में देखने मिलेगी, और ये अभी कुछ महीनों के बाद में महानगर पालिकाओं के चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं, जिसमें मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे जैसे बड़ी शहरों की महानगर पालिका भी चुनाव का सामना करेगी, तो ये उसके पहले ये राजनीति और गर्माएगी, इतना हम जरूर कह सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इन्वेस्टिगेशन हो या राजनीति हो, ब्लैक एंड व्हाइट में फिलहाल कुछ कहना ये बहुत मुश्किल है। दिवेश, क्या और नाम है, क्या और नाम है? एक तो नवाब मलिक से ये पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, पर मामला ये ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सिर्फ एक दो लोगों पर आधारित नहीं है, ईडी की इन्वेस्टिगेशन उस हर आदमी पर है, हर व्यक्ति पर है जो किसी न किसी वक्त या किसी न किसी तरीके से इस गैंग से, इस पूरे अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, उनके थ्रू पैसे कमा रहा है, उनके थ्रू लेन देन कर रहा है, या वो बेटिंग का मामला हो, रियल एस्टेट का मामला हो, बिल्डिंगें बनाने का मामला हो, क्या होटल चलाने का मामला हो, अन्य जो फिरौती का मामला हो, इस किसी भी तरीके से बेटिंग के मामले में इन सारे तथ्यों को खंगाला जा रहा है, इन सारे तथ्यों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आपको बता दें कि पिछले ही हफ्ते आज तक पर हमने ये बताया था कि किस तरीके से ईडी की इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में चल रही है। सबसे पहले ईडी की इन्वेस्टिगेशन में उन्हें यह पता चला है कि दाऊद की गैंग, जिसे कहा जा रहा था कि किसी तरीके से वो निष्क्रिय हो गई है, पर वो पूरी तरीके से एक्टिव है। उन्होंने एक गैंग, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जिसके तहत वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी भारत के अन्य इलाकों में हमले करवाने की साजिश कर रहे हैं, किसी तरीके से भारत में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की, शांतिपूर्ण प्रोसेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, और इसी के तहत ये केस NIA ने दर्ज किया, जिसके बाद ED ने भी SIR दर्ज की और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ED की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें ये पता चला कि बेटिंग में पूरी तरीके से कंट्रोल अभी भी दाऊद इब्राहिम गैंग का है, रियल एस्टेट के बहुत से ऐसे प्राइम रियल एस्टेट जिसे कहा जाता है, बड़े बड़े जगहों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, उसमें दाऊद इब्राहिम गैंग की पार्टनरशिप है, या तो वो हिडन पार्टनरशिप है या उसके किसी गुर्गे के तहत ये पार्टनरशिप की गई है।